जय हिंद दोस्तों। दोस्तों आज के लेक्चर में देखेंगे एसएससी जीडी 2022 का जो पेपर हो रहा है। आज आपका 10 जनवरी है। आज आपके किस किस चैप्टर से मैथ के क्वेश्चन पूछे गए थे आज हम सभी चैप्टर को डिस्कस करेंगे। आप इससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि किस चैप्टर से कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। और हम दो तीन क्वेश्चन आपको बता देंगे ताकि आपको पता चल जाए किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए आपका देखिए फ्रेंड, सबसे पहले आपका यहाँ पे क्या लिखा है, सीआई यानी कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज। इससे आपके 2 ईयर और 3 ईयर्स 2 ईयर्स पे बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आपका मेंसुरेशन आ रहा है। मेंसुरेशन से आपके वेलन और शंकु और गोला और वृत्त के बेसिक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आपका डिस्काउंट आता है, तो डिस्काउंट के भी कुछ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। उसके बाद आपका आता है टाइम एंड डिस्टेंस, यानी टाइम एंड डिस्टेंस में आपका ट्रेन से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ट्रेन से क्वेश्चन पूछा जा रहा है यानी खंबे को कितने सेकंड में पार करेगा, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। अब देखिए उसके बाद आपका पूछा जा रहा है एलसीएम से, यानी एलसीएम एचसीएफ यानी लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्त से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्या है, 6 नंबर सिंप्लीफिकेशन यानी सरलीकरण से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। उसके बाद आपका आ जाता है वर्क एंड टाइम, यानी वर्क एंड टाइम से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। उसके बाद 8वां नंबर आपका है अलीजेब्रा यानी बीजगणित, किससे, बीजगणित से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसको भी आप लोग एक बार देख लीजिएगा। और देखिएगा एसआई यानी 3 ईयर 2 ईयर पे बेस्ड क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट के भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपका है परसेंटेज। परसेंटेज तो 100% है, हर एग्जाम में पूछा जाता है और इस एग्जाम में भी परसेंटेज से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। उसके बाद लास्ट में आपका नंबर सिस्टम यानी नंबर सिस्टम से भी आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो एक बार इन तीनों चैप्टरों को, जितने भी 11 चैप्टर हमने लिखवाए हैं, सभी को एक बार गो थ्रू होकर मतलब देख लीजिएगा और अपना रिवीजन कर लीजिएगा अगर आपके अगले शिफ्ट में पेपर है, ठीक है फ्रेंड्स। और अब देखेंगे किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उन क्वेश्चनों को हम डिस्कस करते हैं। एक बात और फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने एसएससी जीडी 2021 के जो पेपर हुए थे, यानी जो पेपर आपके हुए थे प्रीवियस ईयर पेपर के, आप लोगों को कम से कम, अगर आपका 2-3 दिन बाद पेपर है तो कम से कम 3 पेपर आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा प्रीवियस ईयर के जो 2021 में पेपर हुए थे, क्योंकि इसी टाइप के आपके क्वेश्चन एग्जाम में इस टाइम से पूछे जा रहे हैं। यानी आज जो 10 जनवरी है, आज के जितने भी शिफ्ट हुआ था इसी 2021 के बेस्ड पे, यानी जिस टाइप से 21 में पूछा गया था उसी टाइप से आपके 2022 में पूछा जा रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए अब देख लेते हैं किस टाइप से क्वेश्चन आ रहा है। तो चलिए फ्रेंड, देखिए आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, आपका एलजेब्रा से क्वेश्चन है। यहाँ पे कुछ वैल्यू दिया है, अनुपात लगाया है, यहाँ पे कुछ वैल्यू दिया है, उसके बाद यहाँ पे अनुपात लगा के लिखा हुआ है। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे 2x+3y और बटे में कर देंगे 3x+5y बराबर 18/29 कर देंगे। अब तिर्यक मल्टीप्लाई कर देंगे तो 29 का हम यहाँ पे 2 में पहले मल्टीप्लाई कराएंगे 2x में, तो 29 दूना क्या हो जाएगा 58x+29 दिया, बताइए आप लोग क्या होगा। ऐसे अगर ना पता रहे तो देखिएगा 3 9 27 के साथ हो जाएगा और उसके बाद बचेगा आपका 2 3 2 6 6 1 7 8 यानी आपका 27y हो जाएगा। फिर यहाँ पे आप लोग बराबर कर दीजिएगा 18 3 54, यहाँ पे आपका 54x+18 5 90 यानी 90y हो जाएगा। अब देखिएगा अगर x की वैल्यू यहाँ पे बड़ी है तो ये छोटी वैल्यू को इधर लाएंगे, तो 58x में से 54x को माइनस कर देंगे तो आपका 4x बराबर, अभी ये छोटी वैल्यू है तो उधर ले जाएंगे, तो 90y में से इसको ले जाएंगे उधर तो माइनस हो जाएगा, तो 87y को 90y से माइनस कर देंगे तो आपका 3y बचेगा। अब यहाँ से x बटे में y बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ पे 3/4 आ जाएगा। यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, यानी इसको लिख सकते हैं यक्स अनुपाते, लिख सकते हैं y बराबर 3/4, जो आपके ऑप्शन डी में है, हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर दूसरा भी देख लीजिए, ये आपका सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है जो कि बहुत ही सरल है। ये आपका 10 जैन और 10 जैन
2022 का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है देखिएगा, आपके सामने लिखा हुआ है 2 2 बाई 3 मल्टीप्लाई 6 बाई 5 मल्टीप्लाई 10 बाई 4 प्लस 1 बाई 8 माइनस 3 बाई 8, इसी को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आप लोग इसको सॉल्व करिएगा, तो देखिए कैसे 3 दूनी 6 हो जाएगा। अब 2 दूनी 4, 4 से 4 कट जाएगा, ठीक है। उसके बाद 5 दूना 10, यानी आपको बचेगा ऊपर 2 प्लस। अब इसको अगर ऐसे लिखेंगे तो 1 बाई 8 माइनस 3 बाई 8। अब यहाँ पे लेके एलसीएम तीनों का लेंगे तो आपका 8 हो जाएगा। एक 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 8 8, 8 दूनी 16, 16 प्लस 1 माइनस 3, यही होगा। अब 16 एक 17, 17 में से आपका कितना जाएगा, 3 जाएगा। 17 में से अगर आप लोग 3 माइनस कर देंगे तो आपका बचेगा कितना, हाँ 14 बटे में 8। अब इसको और सॉल्व करिएगा तो 7 दूनी 14 और 4 दूनी 8, ठीक है, यानी 7 बटे में आपका 4 आ जाएगा। तो हमारे ऑप्शन डी में है जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए ये बेसिक बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 3 इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद हम कल से पूरा प्रैक्टिस करवा देंगे ताकि आने वाले एग्जाम में अगर आपका अगले अगले शिफ्ट में है तो आप 100% मैथ में स्कोर गेन करें। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, एक संख्या के 25% और उस संख्या के 30% के बीच का अंतर 500 है, तो उस संख्या के 20% का मान क्या है। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस यहाँ पे 25% लिखिएगा और यहाँ पे आप लोग 30% लिखिएगा। अब देखिएगा इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितने का है, 5% का है, जिसकी वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया है, 500 दिया है। अब यहाँ से 1% की वैल्यू निकालेंगे तो 500 बटे में आपका 5 हो जाएगा, 5 करने 5, यानी 1 की वैल्यू यहाँ से क्या आ गया, 1% की वैल्यू आपका 100 आ गया। लेकिन हमें कितने परसेंट की चाहिए, 20% की वैल्यू चाहिए, यानी 20% की वैल्यू चाहिए। तो 20% बराबर क्या हो जाएगा आपका, 100 मल्टीप्लाई 20, यानी आपका हो जाएगा 2000। देखिए अगर आप लोग ऐसे सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर बहुत ही जल्दी आ जाएगा। तो हमारे ऑप्शन बी में है जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो ये लेक्चर कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। कल के भी जितने भी शिफ्ट होंगे हम कल पूरा डिटेल में हर क्वेश्चन टाइप वाइज क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए कल मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।